जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भक्त ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ नवरात्रि के लास्ट दिन में माता काली को ये 7 चीज़ जरूर चढ़ा देना, वरना माता की शक्ति कभी भी जीवन में आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। चाहे फिर आप कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना कर लेना, मंत्र जाप क्यों ना कर लेना, हवन सिद्धि साधना क्यों ना कर लेना, जब तक माता को नवरात्रों के लास्ट दिन में आप ये चीज़ें नहीं चढ़ाएंगे, तब तक माँ काली तो क्या आपको किसी भी देवी की शक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। शक्ति प्राप्त करने के लिए नवरात्रों का जो समय होता है वो माताओं का ही होता है, चाहे फिर वो माँ काली हो या अन्य देवी हो। इस समय माता को यदि आप ये चीज़ें चढ़ाते हैं तो ही आपको माता की शक्ति जल्दी प्राप्त हो पाती है, वरना आपको सदियों लग जाएंगे माता की शक्ति को प्राप्त करते करते, लेकिन तब भी नहीं होगी। और ये चीज़ें चढ़ाना आप शुरू कर देंगे तो फिर देखना आप माता की शक्ति आपको कितनी जल्दी प्राप्त होती है, कैसे माता आपको दिखने लगेगी, अपने दर्शन देने लगेगी और आपको हर चीज़ के बारे में बताना भी शुरू कर देंगी। तो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास वीडियो है, जो गुरुमुख है वो भी इस कार्य को करें और जो गुरुमुख नहीं है वो भी इस कार्य को करें, क्योंकि कुछ लोग हैं जैसे 100 में से 90% लोग गलतियां करते हैं और उन्हीं की गलती की वजह के कारण उन लोगों को माता की शक्ति नहीं प्राप्त हो पाती, फिर वो दोष देते हैं माता को। तो इसमें माता की कोई गलती नहीं है, ना हमारी गलती है, आपकी खुद की गलती है। जो गलती आप कर रहे हैं उसी की वजह से आपको माता की कृपा शक्ति नहीं प्राप्त हो रही है। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूं। अगर आप लोग महाकाली भक्त ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, 2 लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। जैसे कि सभी भक्तों को पता है 9 अप्रैल से नवरात्रे का पहला दिन है, ठीक है, और चैत के माता काली के नवरात्रे हैं, तो अधिकतर करके 100 में से 90% लोग ये गलती तो ज़रूर करेंगे, जो कि मैं 7 चीज़ें बताने जा रही हूँ। ये चीज़ें आपको नवरात्रे के पहले दिन में भी चढ़ानी चाहिए और उसके लास्ट दिन में यानी कि नौमी वाले दिन में भी। अब जिन लोगों के घर में नौमी पूजती है तो वो नौमी वाले दिन चढ़ाएंगे, जिनके घर में अष्टमी पूजती है तो वो लोग अष्टमी वाले दिन चढ़ाएंगे, ठीक है। और इसमें आपको कोई पापड़ नहीं बेलने, कोई मंत्र नहीं जपना है, सिंपल सा कार्य है, सभी भक्तों को करना चाहिए। अगर चाहते हो कि शक्तियाँ जल्दी प्राप्त हो तो भाई ये कार्य आप जरूर करो, वरना आपको कोई भी शक्ति नहीं प्राप्त होने वाली जीवन में भी। फिर चाहे आप कितने ही मंत्र जाप क्यों ना कर लेना, गुरु कितने ही बना लेना, जब तक ये चीज़ें नहीं करोगे तब तक कोई भी शक्ति आपके आसपास नहीं भटकेगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुने, बारीकी से समझें, जब आप इसे लास्ट तक देखोगे तो आपकी समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो कुछ भी समझ में आपके नहीं आएगा। तो जी, पहली चीज़ में आपको लेने हैं 11 जायफल, वो भी बड़े लंबे वाले जो आपको सामने स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। एक छोटे वाले जायफल आते हैं जो सुपारी की तरह होते हैं, वो नहीं लेने, ऐसे लेने हैं लंबे वाले बड़े। दूसरी चीज़ में एक सूखा गोला लेना है। तीसरी चीज़ में एक मीठा पान लेना है। चौथी चीज़ में एक नींबू लेना है। और पांचवी चीज़ में 5 बतासे 10 लौंग लेनी है। और छठवीं चीज़ में एक बूंदी का लड्डू लेना है। और सातवीं चीज़ में आपको एक लेनी है साबुत सुपारी, ठीक है। तो ये 7 चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना है, और जितने भी भक्त हैं सभी को चढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखो, मेरे ऊपर विश्वास आपको हो या ना हो, लेकिन माता पे आप विश्वास जरूर करें और इस कार्य से आप माता की शक्तियों को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब ये कार्य आप करेंगे। नहीं करेंगे तो इसमें आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप इस कार्य को नहीं करते तो इसमें आपका सिर्फ नुकसान ही होगा। आप ज़िंदगी में कुछ भी कर लेना, कोई भी शक्ति आपको प्राप्त नहीं होगी। प्राप्त होने की तो बहुत दूर की बात है, आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। तो इसीलिए इस कार्य को आप जैसा भी करें
चाहे सिंपल तरीके से करें या गरीबी तौर से करें, कैसे भी करें, लेकिन इस कार्य को ज़रूर करना। अब इन 7 चीज़ों में से जो जो चीज़ आप पे बन पा रही है, जो जो चीज़ मतलब आप पे है, आप वो भी चढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 7 चीज़ ही चढ़ाएंगे, जो जो आप पे बन रहा है आप वैसे ही चढ़ाएं, ठीक है। तो जी आपको क्या करना है, एक ले लेना है मिट्टी का खप्पर या फिर हवन कुंड। अगर आपके घर में हवन कुंड है तो आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हवन कुंड नहीं है तो आप एक मिट्टी का खप्पर ले लें, जो कि मिट्टी का डोंगा होता है, वो लेके आपको करना क्या है, उसमें आपको छोटे से कंडे की अग्यारी बनानी है। अग्यारी भी कैसे बनेगी, उपले को गैस पे जलाना, ठीक है, गैस पे जला के उसकी अग्यारी बन जाएगी। जैसे ही समझ लो उसमें से धुआं निकलना बंद हो जाता है तो अग्यारी बन चुकी है। जब तक उसमें से धुआं निकले तब तक उसे गैस पे जला के रखो। अग्यारी को खप्पर में रखो, ठीक है, चिमटे से उसे तोड़ लो। तोड़ने के बाद माता के ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं ये आपको कैसे चढ़ानी है, पहले तो देखिए जी, जो आपने सूखा गोला लिया है उसकी ऊपर से चक्कू से उसे काट लो, उसकी टिपली निकाल लो, ठीक है। सूखे गोले के अंदर आपको लौंग बतासे भरने हैं, 5 बतासे 10 लौंग। उसके साथ आपको एक नींबू जो लिया है आपने चक्कू से काट के, और 2 लौंग आप नींबू के साथ डाल के, और उसको गोले को ऊपर से बंद करके गोले को 5 बार कलावे से बांध के अलग रख दो। ये माता का हो गया सबसे बड़ी भेंट। तो सबसे पहले इसको करके आपको गोले की भेंट चढ़ानी है माता को खप्पर के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो आपने 11 जायफल लिए हैं वह जायफल आप सभी देवियों के नाम की डाल दें, जो जो आपके घर की कुल देवी है, जो आपके घर में देवियाँ पूजती हैं, उन सभी के नाम की एक एक जायफल डाल दें। अगर आपके घर में 9 देवियाँ पूजती है तो 9 डालें, 7 पूजती है तो 7 डालें। जितनी भी देवियाँ आपके घर में पूजती हैं उन सभी के नाम से एक एक जायफल की भेंट आप खप्पर में डालते रहें। फिर उसके बाद जो आपने मीठा पान लिया है, मीठे पान आपको बिल्कुल साबुत ही खप्पर में डाल देना है, और यही चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है, मीठे पान के साथ साबुत सुपारी साथ में लगा के डालना, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा तरीका था जो मैंने बताया है। इस तरीके से आप सभी भक्तों को नवरात्रि के लास्ट दिन में, यानी कि मैंने जैसे बताया कि जिनके घर में नौमी पूजती है तो वो नौमी के दिन करेंगे, जिनके घर में अष्टमी पूजती है तो अष्टमी के दिन करेंगे। तो जी ये सारी चीज़ें आप माता को खप्पर पे भोग में देंगे, ठीक है। अब जैसे ही मान लो ये सारी चीज़ें आप दे देते हैं माता को, तो माता काली आपसे प्रसन्न होंगी और आपको अपनी कृपा कर, आपको कृपा प्राप्त कराएंगी। कृपा के साथ साथ माता काली की शक्ति प्राप्त होने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो ये नवरात्रों के दौरान सभी भक्तों को चढ़ाना चाहिए। एक तो पहले शुरुआत में चढ़ाते हैं जिस दिन से नवरात्र शुरू होते हैं, और एक चढ़ाते हैं लास्ट दिन में जिस दिन नवरात्रों का आखिरी दिन होता है। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगी। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, माँ काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें, खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार।